माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है। जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। जो मैं पार्लीमेंट च एमपी हुंदा सीगा उस वेले मैं रिपोर्ट कढ़ाई सी 14 मौतां एक दिन च, 22 च 17 मौतां ते 510 इक महीने च, 12 ना गुणा कर लो 6000 तो परो। इनू आपां किस्मत कह दिंदे आ, किस्मत नहीं हैगी, कितने ना कितने ह्यूमन एरर है। कोई सड़क दा मोड़ ठीक नहीं हैगा, जां फिर उत्थे कोई रोक नहीं सी पुलिस दी, जां कोई ट्रक खराब होया खड़ा है उहदे थल्ले गड्डी वड़ गई, सारा टब्बर ही खत्म। इसे करके एसएसएफ बनाई कि तुसीं कल्लियां सड़कां ते रहना। उन्हां कोल गैस कटर ने गड्डियां च, आरी दे ब्लेड ने, टोचन ने, फर्स्ट एड दा समान है। ते 15 दिनां च सिर्फ 13 मौतां ने, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਚ 17 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 112 ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟੈਕ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी? जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता, जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है, और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येन जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनको न्याय मिलेगा, प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है, आपको लगता है न्याय प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे? ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा, और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्दी बाहर है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी, और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येन जैन जी भी बाहर आएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येन जैन जी के लिए भी। अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से एक रुपये बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर, बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। कोटी का है कि आधिकारिक ड्यूटी भी अपनी कर पाएंगे अगर उन्हें, तो क्या उनके सरकार में शामिल किया जाएगा आपका? अब उसके आने दीजिए, उसके बाद आगे का निर्णय लें। के लिए कितनी बड़ी राहत है? क्योंकि बहुत बड़ी राहत है, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, और सब कुछ बहुत आगे अच्छा होगा और जल्दी ही हमारे दोनों बाकी नेता भी बाहर आएंगे।